Hello everyone, I am Dr. Priya Sepaha and today we are going to discuss defamation. Defamation को हिंदी में मानहानि भी कहते हैं which has been described under Section 499 of IPC. बेसिकली डेफेमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने क्रिमिनल लॉ में भी डिफ़ाइन किया है और सिविल लॉ में भी डिफ़ाइन किया है. तो डेफेमेशन एग्जैक्टली होता क्या है, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफेमेशन, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफेमेशन and what are the exceptions of defamation, that is also very necessary to understand. So in this video we are going to discuss all things, so stay tuned. Defamation का मतलब होता है किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात जिसे चाहे हमने बोलकर, चाहे पब्लिश कर कर, चाहे इशारों में, किसी भी तरीके से अगर सामने वाले को ऐसी कोई बात कही है जिससे उसको इंजरी हो रही है तो फिर वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आता है. For this you have to understand that injury doesn't mean physical injury. Injury is the injury of reputation. Reputation को अगर injury हो रही है and that type of reputation has been described under law. हम किसको reputation कैसे हैं, किसको injury कहते हैं और किस तरह के act को defamation कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's have a look on Section 499 of Section 499 of IPC states that whoever by words either spoken or intended to berate or by sign or by visible representations makes or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the case hereinafter expected to defame the person. Basically Section 499 define करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी बात कहता है जिससे उसके रेपुटेशन को इंजरी होती है, चाहे वो उसकी पर्सनल रेपुटेशन के बारे में हो, चाहे वो उसके जॉब से रिलेटेड हो, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, बिज़नेस के बारे में हो, उसकी पर्सनल बातें हो या उसकी फैमिली मेम्बर की बातें हों या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में अगर गलत कुछ कह दिया जाता है पब्लिक में तो लोग अपने मन में ऐसी कोई बात बना लेते हैं कि हमें इससे कोई रिलेशन नहीं रखना है. वो सारी चीज़ें डेफेमेशन की कैटेगरी में आती है. अब ये तो हमने बात करी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है, इसके अलावे अगर कोई भी पर्सन इवन साइन लैंग्वेज से भी किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ें थ्रू साइन लैंग्वेज बता देता है, जैसे कि अगर किसी ने कहा कि ये घड़ी किसने चुराई या ये डॉक्यूमेंट किसने यहाँ से हटाए होंगे या चुराए होंगे, तो मैंने उस आदमी का या उस लेडी का नाम नहीं लिया बल्कि मैंने इशारा कर दिया ऐसे या ऐसे, या मैंने इशारों में बता दिया कि जो वो उस रूम में या उस टेबल पे या उस पोजीशन पे बैठते हैं उस व्यक्ति ने ये घड़ी या ये डॉक्यूमेंट चुराए हैं. और अगर उसने वो नहीं चुराए हैं, ये बात एक और इम्पॉर्टेंट है कहने की, अगर तो वो बात सही है तो वो डिफरेंट है, वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है. लेकिन जो भी बातें कही गई है अगेंस्ट दैट पर्सन, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, इफ़ इट इज़ नॉट राइट, then it will come under the category of defamation. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. तो एक तो हो गया बोल के, दूसरा हो गया हमने साइन से, तीसरा हो गया हमने वो बात पब्लिश कर दी है. पब्लिश की कैटेगरी में क्या आ जाता है? पब्लिश का मतलब हमेशा न्यूज़पेपर में नहीं होता है. एक कैटेगरी न्यूज़पेपर भी है, दूसरी कैटेगरी होती है आजकल सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. आपने अगर फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया. इफ़ यू हैव पोस्टेड एनीथिंग अगेंस्ट एनी पर्सन और कंपनी और एनीथिंग और रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन विच कैन हार्म हिज रेपुटेशन इन द पब्लिक, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन व्हेन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट. डिफेमेशन आर ऑफ two types. The first one is libel and second one is slander. लाइबल का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी व्यक्ति के बारे में या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे किसी भी तरीके का एसोसिएशन या प्रोफेशन के बारे में, हमने अगर पब्लिश कर दिया है, मतलब वो लिखित रूप से है वो सारी चीज़ें, जिसका एक प्रूफ है कि ये कहा गया है, नो मैटर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रिंट मीडिया और इन अ फॉर्म ऑफ अ अदर मीडिया और अ सोशल मीडिया, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर किसी भी तरीके से हमने ये बात कह दी है, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लायबल। वेयर एज अगर हम स्लैंडर की बात करते हैं तो स्लैंडर इज़ बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड जेस्चर, जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने बोल कर, बातों के द्वारा, जो कि अपने आप में बातें जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, किसी की भी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए भी और रेपुटेशन को घटाने के लिए भी सकती है। तो इसलिए अगर हमने बोलकर या हमने हमारे किसी भी जेस्चर से या पोस्चर से, साइन से, अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ गलत कहा है जो कि सही नहीं है एक्चुअल में, दैन इट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैंडर। तो ये दो तरीके के डिफेमेशन होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन विच हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज़ इट मे अमाउंट टू डिफेम, टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ़ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ़ लिविंग and is intended to be hurtful to the feeling of his family or other near relatives. As per first explanation, जो भी defamatory words कहे गए हैं, that should harm the reputation of that person and his relatives and any near and dear ones. That is one of the and the first explanation. 2 is it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons. Second explanation is related to the company. That means any company in which the person is working either or he is a owner of that particular company or anything which is associated with that particular person. Association here is related to the profession. So anything which has been associated to that person, and if the other person is telling anything which is wrong and against and which can harm द रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी, जो उसकी कंपनी के रेपुटेशन को गलत करता है, हार्म करता है, दैन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन। एक्सप्लेनेशन 3rd इज़ एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। एक्सप्लेनेशन 3 इज़ रिलेटेड टू इन्यूएंडो। इन्यूएंडो इज़ बेसिकली हमने कोई बात किसी दूसरे आदमी के बारे में कह भी दी और बड़े आयरनिकली या सरकास्टिक वे में कह दी, जिसमें हमने डायरेक्टली कुछ कहा भी नहीं लेकिन हमने उसका पूरा नुकसान कर दिया, और इसको हम एक्सप्लेनेशन 3 की कैटेगरी में डालते हैं, जिसे हम इन्यूएंडो कहते हैं। मतलब कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि उस सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई मैं बिज़नेस डील करने जा रहा हूँ तो आपका क्या है, तो आप व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट, क्योंकि आप उसको जानते हो, तो मैंने कह दिया कि हाँ देख लीजिए, आप कर तो लीजिए लेकिन भाई इसका कोई एश्योरेंस नहीं देना चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि कभी वो कुछ भी कह देते हैं, कभी कैसे भी हो जाते हैं। और इस तरीके से मैंने उनके बारे में डायरेक्टली ये ना कहते हुए कि आप मत करिए उनके साथ कोई डील, बाकी सब कुछ कह दिया है इनडायरेक्टली, तो दैट विल बी अमाउंट एज इन्यूएंडो, जहाँ पे हमने उस पर्सन के बारे में पूरे नेगेटिव ओपिनियन दे दिए हैं इनडायरेक्टली। जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन 3 में बताया है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसी का एक्सटेंशन है कि जब तक कोई व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करता है उस पर्सन के बारे में, उससे एसोसिएटेड पर्सन के बारे में, उससे रिलेटेड पर्सन के बारे में, उससे रिलेटेड रिलेटिव्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके एसोसिएशन, उनके प्रोफेशन, कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे कि उसका मॉरल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कास्ट या कोई भी ऐसी चीज़ को इंजरी होती है, तब तक वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन 4 में क्लियर कर दिया है कि ये सारी चीज़ें, इस तरह के इंजरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। इसीलिए डिफेमेशन में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को हम डिफेमेशन नहीं कह सकते, इसलिए एक्सेप्शंस को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सप्लेनेशन को। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन। करते हैं एक्सेप्शंस की। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि एनीथिंग व्हिच इज़ ट्रू इन नेचर, जो सही है उसको अगर हमने पब्लिक में बता दिया है तो फिर वो चीज़ डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी होती है कि पब्लिक तक। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। देखिए, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनकी बहुत सारी ड्यूटी ऐसी रहती है जो बेसिकली पब्लिक के लिए ही है, और अगर हमने उनके कंडक्ट पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, अगर कोई बात पूछी है या कही है जो कि सही है, तो फिर वो उनके डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आती है। सिमिलरली, अगर पब्लिक सर्वेंट ने आपको किसी भी चीज़ के लिए मना किया है, और आजकल तो कोविड है, तो कोविड में ऐसे समय में अगर आपने मास्क नहीं लगाया है और अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया है या आपसे बोला गया है या फ़ाइन की बात करी है मास्क नहीं लगाने पर, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कैसा कंडक्ट है और मुझसे ऐसे मुझे डिफेम किया है पब्लिक में ये बोल के कि आपने मास्क नहीं लगाया और आपको फ़ाइन दिया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर अंडर द एक्सेप्शंस। इसको हम डिफेमेशन नहीं कहेंगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कंडक्ट, जो ज़रूरी होता है कि ये। थर्ड एक्सेप्शन इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक व्हेन ही इज़ टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप पब्लिक सर्वेंट से भी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और अगर उस पर यह कहा जाता है कि यू आर ट्राइंग टू डिफेम गवर्नमेंट और पर्सनैलिटी और पब्लिक सर्वेंट और पर्सनैलिटी, दैट ऑल्सो वोंट अमाउंट अंडर डिफेमेशन। जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें, आजकल आरटीआई है, आरटीआई में आप बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आप आरटीआई में किसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जो कि आपका राइट है, तो वो सामने वाले डिपार्टमेंट के लिए ये कहीं से भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यू आर हैविंग अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। सिमिलरली देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। हम जजेस से भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, पॉलिटिशियन से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं पब्लिक में। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो वर्किंग में है, एंड विच इज़ necessary and essential and true in nature and which is necessary to be known by the public, उन्हें पता होना चाहिए ऐसी चीज़ आती है, तो that won't amount to exception is related to the court for publishing a proceeding of any case. देखिए, कोर्ट में जब केस होता है और जब ऐसा कोई केस होता है जो कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और कहीं ना कहीं उसका राइट भी होता है ये जानने का कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन द कोर्ट, एंड दे वांट्स टू नो द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट रिलेटेड टू दैट मैटर। इट मे बी अ क्रिमिनल मैटर, इट मे बी अ सिविल मैटर, इट मे बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इट मे बी एनी मैटर इन विच मे बी द गवर्नमेंट is involved or maybe a very reputed or elite person is involved. Then also मीडिया को ये right होता है कि वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या दूसरे जो चैनल्स होते हैं जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं, प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हैं या डिस्कशंस ऐसे होते हैं, उसमें जो भी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में उसको पब्लिक तक अगर कोई पहुंचा रहा है, तो दैट वोंट बी अमाउंट एज अ डेफेमेशन बिकॉज दैट इज़ ओनली अ रिपोर्टिंग of a proceeding of a court of that matter which is a right of a public to know what exactly is happening in the court. Next exception is related to that proceeding only, that आफ्टर द जजमेंट, जब जजमेंट हो जाता है या वर्डिक्ट होता है, तो उसके बाद व्हाट इज़ द कैरेक्टर और अ कंडक्ट ऑफ विटनेस ऑल्सो और द पिटिशनर ऑल्सो, डिफेंडेंट ऑल्सो, और इवन समटाइम्स एडवोकेट्स, जजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें पब्लिक में डिस्कशंस होते हैं, बहुत तरीके के डिस्कशन होते हैं और लोग अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं। ऐसे में अगर व्यू पॉइंट रखना, अपने ओपिनियंस बताना और डिस्कशन करना अबाउट द कंडक्ट एंड द केस एंड द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर केस will not amount as defamation. Next thing is related to the judgment also. मतलब अगर कोई बुक में या किसी भी शो में या मिमिक्री के थ्रू या किसी भी ऐसी चीज़ में, अगर मान लीजिए किसी जजमेंट के बारे में, मान लीजिए किसी बुक के बारे में कुछ ऐसा लिखता है, तो वो चीज़ भी जब तक सही बात कह रही है विथ रीजनिंग, अगर वो बातें कही जा रही है, तब तक वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आती है। ऐसी चीज़ों में लैंग्वेज का सही होना और कंटेंट का भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ें अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देती है, तो फिर वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आ जाती है। मगर जहाँ तक अपने ओपिनियन देना है किसी भी फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ अ पब्लिकेशन और इन अ फॉर्म ऑफ मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक और थ्रू मिमिक्री और थ्रू सिंगिंग और थ्रू डांसिंग और थ्रू एक्टिंग, किसी भी तरीके में हम अगर किसी चीज़ को ओपिनियन देते हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं होती है बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अ व्यू point of whatever thing which has been already happened and justified by law. एंड गवर्नमेंट टू, उस चीज़ पर व्यू देने को गलत नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ को बोलने का और प्रेजेंट करने का तरीका डिफेमेटरी है और उससे उस सामने वाले के रेपुटेशन को हर्ट होता है, दैन इट विल बी अमाउंट एज डिफेमेटरी। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ रिलेटेड टू द सेंसरशिप विच इज़ पास्ड बाय द अथॉरिटी इन अ गुड फेथ टू एनी अदर पर्सन हु ऑन whom ही इज़ हैविंग दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए रोक देना उसके उस काम को करने के लिए या अंडर अ गुड फेथ, तो फिर उसको हम डेफिमेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सीनियर ऑफिसर रहते हैं वो अपने से जूनियर ऑफिसर को फॉर अ टाइमिंग बिकॉज ऑफ द गुड फेथ रोक देते हैं कोई चीज़ करने पे, तो वो उनके रेपुटेशन को हार्म नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन डन इन अ good faith is any sort of acquisition which has been done in a good faith by a authorized person। मतलब कि good faith से मतलब a genuine reason से, सही तरीके से अगर किसी concerned person ने दूसरे के ऊपर acquisition लगाया है तो वो गलत नहीं होता है। जैसे कि कोर्ट में होता है, अब वन पर्सन इज़ अक्यूज़्ड, अब वो पर्सन जब तक अक्यूज़्ड है तो उसके ऊपर कई तरह के एक्विजिशन लगाए गए हैं, चाहे वो पुलिस ने बताया हुआ है, चाहे वो पब्लिक ने लगाया हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ होती है। तो ऐसे में अगर कोर्ट में उसके ऊपर एक्विजिशन लगाया गया है, वो जो हो सकता है बाद में गलत भी साबित हो जाए, पर जब तक वो सही नहीं होते हैं तब तक उसके ऊपर वो एक्विजिशन लगाए जा सकते हैं। दैन बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है कि उसको ये बताना है कि ये गलत है। तो ऐसी चीज़ों को हम डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं अगर वो कोर्ट में हो रही है या अगर वो गुड फेथ में किसी भी अथॉरिटी से हो रही है दूसरे के लिए, विच इज़ नेसेसरी टू डू सो। इज़ अगर गुड फेथ में कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम के लिए रोक रहा है, दैन ऑल्सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ डिफेमेशन। सपोज़ अगर किसी आदमी को ने दूसरे से बहुत ज़्यादा उधारी ले रखी है तो वो शॉपकीपर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोल दिया है कि सामने वाला व्यक्ति जब आए तो इसको आपको कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी हैविंग सो मच ऑफ डेट, तो उसको मत दीजिएगा ये चीज़। इसी तरीके से हाँ, जैसे मैंने क्लास का भी दिया है, बट मम्मी पापा का भी दिया है, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं। हमें ये अथॉरिटी होती है कि उसके बेनिफिट के लिए, चाहे अपने पर्सनल होने बेनिफिट के लिए या उस कंपनी के या एसोसिएशन के या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर हम किसी दूसरे इंसान को उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में। लास्ट थिंग इज़ रिलेटेड विद द कॉशन फॉर द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के लिए अगर हम किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या कह रहे हैं और उसके बाद भी वो कर रहा है सामने वाला इंसान, तो भी वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। 9 डिफाइंस what is the meaning of defamation and the punishment related to defamation has been described under Section 500 of IPC, which states that if any person is liable of defamation, then the punishment will be simple imprisonment of 2 years or fine or both. That's all about defamation, types of defamation, its explanation, exceptions and punishment. Hope you like the video, and if you like it, do not forget to hit the like button and subscribe my channel और bell icon ज़रूर दबाएगा so that you can get the notification of my new videos। Similarly, मैं बहुत appreciate करूँगी अगर आप comment box में भी ये लिख कर बताएँ कि आपको किस तरह की या कौन से ऐसे subject हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं video बनाऊँ और कौन से ऐसे case laws भी हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि video बनाऊँ। So that's all for today. See you soon. Take care.